ये मस्काओ की वो बिल्डिंग है जहाँ पे टेररिस्ट हब कुल अभी छुपा हुआ है। स्प्रिंग शाइन बिल्डिंग में काफी तादाद में फोर्स यहाँ डिप्लॉयड है। Dhoka, because Dhoka, I was only an actor. I was seeing all the pain being faced by Cookie, which I had to face. So I was very happy to let him do it in his able shoulders. And I love just being the actor and working with this charming, efficient, and highly talented group of people. For me, shooting during COVID in Bombay and getting back into the groove of acting and doing films was one of the blessings that Dhoka has given me. But I assure you that you will see how much fun and involvement we've had in the film. एक कहानी है, सुनोगे? एक बार सच और झूठ कहीं जा रहे थे। झूठ बोला गर्मी है ना, दोनों नहाने कुएं में उतरे। जैसे ही सच ने डुबकी लगाई, झूठ सच के सारे कपड़े लेकर भाग गया। जब तक आप धोखा खाओगे नहीं, आप देना कैसे से बोलोगे? तो आपने इस मूवी में खाया है धोखा? बिल्कुल। मेरे को इस फिल्म से ये समझ में आ गया कि यू आर नेवर टू ओल्ड टू रोमांस। मैं क्या धोखा ही दिख रहा है? धोखा रहूंगा कौन ना, बट जा देखो वही धोखा हर कोने में धोखा। एक्चुअली भाई साहब, हम ना बहुत सोच समझ के टाइटल रखने की कोशिश करते हैं। तो बहुत लोगों ने पूछा कि धोखा अराउंड द कॉर्नर क्यों रखा आपने, और हमारा जवाब यही है कि जो आपको दिखता है वो नहीं है, जो आपको लगता है कि यकीन यही करना पड़ेगा वो नहीं होगा, जो आपको लगता है कि कसूरवार है वो शायद नहीं है। और अगर आप यू नो ये सब समझ लेते तो आप हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट हैं। सी दिस वाज अ वेरी चैलेंजिंग रोल, इट वाज नॉट इजी। बहुत लेयर्स हैं सांची के किरदार में। आसान नहीं था मेरे लिए सांची को समझना या उसकी तरह बिहेव करना। मेरे को बहुत टाइम लगा, but having such a nice and such an experience and such an amazing cast, they made my work more simple. I mean, at least I could flow more quickly into the character. So I would give all credit to my director. He was always available with, he was so clear as to exactly how Sanchi would be. There was he explained there Sanchi 1, Sanchi 2, Sanchi 3 and so on. So it was just all of them, you know, they made things easier for me to get into the character. धोखा जो वर्ड है ये आप कोई स्पेसिफिक सर्टेन इंसिडेंट है या तो आप ऑल अराउंड लाइफ में धोखा खाए इसलिए? ओ, मैंने वैसे तो ये सही गाइड किया था सर की तरफ, बिकॉज ये जो धोखा टाइटल है वो सर का दिया हुआ टाइटल है। धोखा जो है बहुत ही ज्यादा यू नो सिचुएशनल चीज है। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि एक इंसान को लगता है कि मेरा सच ही है और दूसरे इंसान को लगता है ये सच नहीं, सच ये। हर एक के दोनों अपने पक्ष होते हैं, अपने पहलू होते हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं हर एक का एक इंडिपेंडेंट सच भी हो सकता है। बट हैविंग सेड दैट, मेरे को फिल्म में धोखा मिल रहा है या मैं खा रहा हूँ ये तो आपको देख के पता चलेगा। धन्यवाद। इस फिल्म में काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा दर्शन है मैंने सारे सबके साथ अपने एक्सपीरियंस बताइए। देखिए ऑफ कोर्स आप जब ट्रेलर देख रहे हैं एक कहीं ना कहीं एक एनर्जी एक साथ सबकी आ रही है। टच जितने भी लोगों ने अपने ट्रेलर देखा है कहीं ना कहीं ब्लेस किया है, कमेंट सेक्शन में जाएंगे सबके काफी पॉजिटिव व्यूज हैं। वो इसीलिए क्योंकि वी वर ऑल टुगेदर इन इट एंड ऑफ कोर्स यू नो वी ऑल कम फ्रॉम वेरी डिफरेंट बैकग्राउंड्स एंड वेरी डिफरेंट पोजीशंस, बट हैविंग सेड दैट एक दूसरे से इतना कुछ सीखने को था दैट एवरीबॉडी वाज यू नो गिविंग दैट ट्रैवलिंग दैट एक्स्ट्रा माइल एंड टच वुड वी ऑल फील वेरी ब्लेस्ड टू हैव वर्क विद ईच अदर एस्पेशियली मैडी सर। आई थिंक द काइंड ऑफ एक्सपोजर ही कम्स विद सर मतलब मोहब्बत तो बढ़ती रहेगी सर। Beyond the point, मैडी सर को आज definitely खाना खाने के बाद धोखा नहीं आर माधव को प्रमोट करने के लिए आए थे।
बट हमारा 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 मेन मोटिव यही है. बट हैविंग सेड दैट, आई मीन ऑफ कोर्स यू नो वी ऑल नो दैट वी ऑल गेट इंस्पायर्ड बाय यू नो हिज बॉडी ऑफ वर्क एंड टॉक अबाउट दर्शन भाई. आई थिंक इट्स ब्यूटीफुल टू सी हिज जर्नी फ्रॉम यू नो मैरीकॉम टू आश्रम टू फैमिली मैन टू कश्मीर फाइल्स, यू नो वेरी अनप्रेसिडेंटेड जर्नी व्हिच ही हैज डन. वहां से सीखते हुए टॉक अबाउट खुशहाली, आपने खुद ही आपकी शायद एक कॉलीग ने क्वेश्चन पूछा था कि डेब्यू फिल्म लग नहीं रही है उनकी, एंड जब वो फिल्म सेट पे भी आई थी ऐसा लग नहीं रहा था दैट दिस इज द फर्स्ट टाइम शी इज कमिंग ऑन अ फिल्म सेट, शी वाज सो प्रिपेयर्ड. हमारे अपने डायलॉग्स तो याद थे और हमारे डायलॉग्स भी याद करके आई थी सर. इन माय सीन्स आई वाज शॉक, मैं पापा ये मैंने कहा एक्सक्यूज मी सोच वो द एंटायर क्रेडिट ऑफ दैट रियली गोस टू वन पर्सन to put everybody together in one room. And Kachur sir, thank you so much for giving this opportunity to all four of us. I think it's beautiful to, you know, see this journey jis tarike se humne execute kiya. Sir, us aadmi ke saath jo aurat hai jise aap ek middle class housewife samajh rahe ho, wo delusional disorder ki patient hai. Aur tab se jhoot puri duniya mein sach ke kapde pehen kar ghoomta hai. पूरी दुनिया मेरे पति की ही बात को सच मानती है और मैं सच की तरह इस कुएं में खड़ी हूँ. दर्शन जी, लास्ट टाइम आपको हमेशा सीरियस रोल में देखा गया, इस बार भी वही सेम अवतार और मतलब कैरेक्टर के अंदर सर एकदम आ जाते हैं सर. सर आप तो सर ऑलवेज कॉमेडी रोल, जैसे कि मैं देखा सर ये दंगल स्त्री और सर ये अलग ही चैलेंजिंग रोल दिख रहा है एकदम सुपर्ब, तो क्या कहेंगे सर, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपको? थैंक यू फॉर योर कमेंट्स, थैंक यू सो मच. एक्चुअली ये मैजिकल रहा हम लोगों के लिए, जैसे अभी अपार आज ने बोला कि थैंक्स टू कुकी सर जब उन्होंने हमें डायरेक्ट की थी फिल्म. ये फिल्म पढ़ने के बाद जब मैंने पहली बार स्क्रिप्ट पढ़ी तो दिन भर में स्क्रिप्ट के बारे में सोचता रहा, क्योंकि इसमें हर कैरेक्टर में इतने लेयर्स हैं, इतना कुछ घटता है कि आपका दिन, जैसे आपने ट्रेलर से जज कर लिया होगा कि दिमाग चकरा जाता है, तो मैं दिन भर सोचता रहा और फिर रात को मैंने दोबारा ये स्क्रिप्ट पढ़ी. तो इतनी कमाल की ये स्क्रिप्ट लिखी गई और सर ने इतना कमाल का डायरेक्शन दिया इसमें. और जब मुझे पता चला कि इसमें मैं मैडी भाई जी के साथ काम कर रहा हूँ, अपार पाजी हैं और खुशहाली हैं, तो इट वॉज लाइक एक जो जैसे बच्चे का एक एक्साइटमेंट होता है वैसा था कि मैं दिग्गज कलाकारों के साथ काम कर रहा हूँ और मुझे मेहनत करनी है. सो ये हर एक का पैशन था. जब मैं सेट पे पहुंचा तो मुझे वहां पर अपार बाजी नहीं होगी, अकबुल मिले, मुझे यथार्थ मिले, मुझे सांची मिली. दर्शन जी, आश्रम में जबरदस्त पुलिस वाले का रोल आपने किया सर, उसमें भी सेम पुलिस वाले का ही रोल है सर, तो क्या लग रहा है? जी एक्चुअली कहूँ तो इसमें एक ही चीज कॉमन है, यूनिफॉर्म. अदरवाइज दो पर्सनैलिटीज है, वो उजागर सिंह है, ये एसीपी मलिक है. उजागर सिंह की एक अपनी जर्नी है, वो अपने आप को प्रूव करना चाहते थे, लेकिन यहाँ एसीपी मलिक बहुत एक्सपीरियंस कॉप है, वो इस तरह की टेररिस्ट एक्टिविटीज बहुत इजीली हैंडल कर चुके हैं, बहुत सारे केसेस हैंडल कर चुके हैं. लेकिन जब इस फिल्म में वो इस घटना पर पहुंचते हैं, स्थल पर पहुंचते हैं, तो तीन ऐसे दिग्गज कलाकार और इतने कमाल के परफॉर्मर और इस तरह के कैरेक्टर सामने आते हैं कि एसीपी मलिक को समझ में नहीं आता है कि वो इस सिचुएशन को उगले या निगले, गले की हड्डी बन जाता है. तो ये कमाल है. तो ये बिल्कुल डिफरेंट कैरेक्टर था और इसका एक्सपीरियंस अलग था, तो इसे करने में बड़ा मजा आया. Well, thank you so much. That will... always been so selective regarding your films, chahe wo Taare Zameen par ho, Tanuvit's film ho, it's totally about opposite characters. So ye film pe aise kya baat thi ki aapko is film mein kaam karne ka ek mann tha? You know, aap log ye hafte mein kam se kam teen baar karte honge, itne sare film release ho rahe hain aur aapka tajruba isme mere se zyada hai. Jab aap koi team ko set pe dekhte ho ya aapke samne koi team baitha hota hai, आप लोग दूर से देखो समझ रहे हो कि इस फिल्म में इनको काम करने का कितना मजा आया होगा, टाइम के बीच में कितनी फ्रेंडशिप. इस टीम को आज देख लीजिए और आप समझ लीजिए कि मैंने इसको हाँ क्यों कहा, क्योंकि एक तो जो हमारे डायरेक्टर हैं वो इतने कमिटेड और इतने एफिशिएंट हैं कि हमने जितने दिन हमने इस फिल्म को बनाने के लिए सोचा था लगेगा उससे 10 दिन कमी भी शूट किया. yes. और वो इसलिए क्योंकि आयशा, इसलिए कि हम आर्टिस्ट भी टाइम पे है और हमने सही टाइम पे डिलीवरी किया और हमारे साथ एक नई हीरोइन है जो पहली बार एक्ट कर रही है, उन्होंने अबाउ एक्सपेक्टेशन काम किया होगा इसलिए जल्दी काम हो गया. दूसरी बात यह है कि
मैंने इसलिए हाँ कहा क्योंकि जब एक डायरेक्टर होता है वो उसकी एक अथॉरिटी होती है सर, जितना भी दोस्त हो जाऊँ जितना भी मैं उसका सीनियर हो जाऊँ, जो भी जरूरी नहीं कि जो भी मैं सजेशन दे रहा हूँ वो सीरियस है, कभी कभी हम लोग एक्सपीरियंस में आके ऐसे उल्टा सजेशन भी देते हैं और देखना चाहते हैं कि डायरेक्टर आपको हाँ कहता है या, तो उन सब एग्जाम में क्योंकि जी बिल्कुल पास हो गए, सो ही इज वेरी एफिशिएंट, वो मुझे सामने आ गया। एंड आई वाज सीइंग खुशाली, यू नो ये पहले भी मैं कह चुका हूँ कि क्योंकि मैं हमारे जैसे दर्शन जी हैं और पार्षद जी और ऑल एक्सपीरियंस, हमने कई किरदार किए हैं, तो जब हम सेट पे आते हैं ना हमको डिसाइड करना पड़ता है कि कौन से लेवल की एक्टिंग करें ताकि फिल्म नॉर्मल लगे, यू नो ऐसा नहीं कि आई कैन डू द सेम परफॉर्मेंस इन फ्रंट ऑफ कमल हासन एंड डू द सेम परफॉर्मेंस इन फ्रंट ऑफ गर्ल, पता चला कि एकदम डिफरेंट है। बट व्हेन आई केम एंड आई सॉ खुशहाली परफॉर्म, मुझे लगा कि मेरे को इनका परफॉर्मेंस के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा, मैं अपना काम करूँ तो बहुत बड़ी बात है। सो दैट वॉज अ थर्ड थिंग, यू नो बिकॉज आई कुड सी दैट इन द स्क्रिप्ट व्हेन वी वर डूइंग द टॉकिंग एंड नरेशन एंड डिस्कशन। And I don't know if you all know, but this is actually the reason Kushali and I are doing this film is because we wanted to do another film together as hero heroine. It was all written, but at the end I didn't like the script and I tried to convince her, I tried to tell her ki ye tumhare liye bhi theek nahi hai, mere liye bhi theek nahi hai, and she agreed. And so I know that she had the sensibility. So I know that I had a fantastic team. I know ki mere set pe koi late nahi aayega. Mere ko bataya ki ye kamagar khinchega nahi. और सबसे जरूरी बात है कि हाईली एफिशिएंट टी सीरीज ने इस फिल्म को ड्यूरिंग कोविड शूट किया, जब हम लोग शुरू हर कोई बाहर जाने को डर रहा था, मास्क पहन के घूम रहा था, उस वक्त हमने शुरू किया। सो फॉर मी इट हैड सो मेनी चैलेंजेस अपार्ट फ्रॉम मेकिंग अ गुड मूवी दैट आई हैड टू से यस जस्ट ऑन द शियर कमिटमेंट लेवल ऑफ एवरीबॉडी इन्वॉल्वड।